दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मुकाबले विधानसभा चुनाव में एक मजबूत नेता की तलाश बीजेपी के लिए चुनौती बन गई है, क्योंकि पिछले चुनाव में बीजेपी ने किरण बेदी पर दांव लगाया था, लेकिन उसे करारी शिकस्त झेलनी पड़ी थी। अब पार्टी में मंथन चल रहा है कि किस नेता पर दांव लगाया जाए जो दिल्ली विधानसभा के चुनाव में अरविंद केजरीवाल को टक्कर दे पाए। दिल्ली की बीजेपी इकाई किन नामों पर गौर कर रही है, गो न्यूज संवाददाता अंजलि ओझा बता रही है। राजधानी दिल्ली में जल्द ही विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और राजनीतिक दल अभी से इसकी तैयारी में जुटे हुए नज़र आ रहे हैं। तरह तरह के जनसंपर्क अभियान और वायदे लेकर के आ रही हैं सभी राजनीतिक पार्टियां, जहां पे भारतीय जनता पार्टी, जो कि फिलहाल केंद्र में सत्ता में है और दिल्ली के सारे सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं। इन लोकसभा चुनावों के परिणाम के बाद भाजपा अगले विधानसभा चुनावों में दिल्ली में सरकार बनाने की तरफ देख रही है, लेकिन वहीं पे आम आदमी पार्टी, जो कि दिल्ली में सत्ताधारी पार्टी है, वो भी पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि इन चुनावों में वो फिर से जीत करके सत्ता में आएगी। ऐसे में भाजपा के सामने दुविधा है कि क्या इन चुनावों के लिए मुख्यमंत्री पद का एक चेहरा भाजपा के पास होगा। सूत्रों के अनुसार, हालांकि पहले भाजपा ने ये सोचा था कि इन चुनावों में मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे ही चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन वहीं पे आपसे कंपटीशन का सामना करते हुए भाजपा ने ये तय किया है कि शायद एक मुख्यमंत्री का चेहरा होने से चुनावों में उनके लिए परफॉर्मेंस बेहतर होगी। लेकिन इस पद के लिए दिल्ली भाजपा में बहुत सारे दावेदार हैं, जहाँ पे केंद्रीय वरिष्ठ मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं दिल्ली में। वहीं पे विजय गोयल हैं, जो कि सांसद हैं, उन्हें भी इस पद का दावेदार माना जा रहा है। साथ ही मनोज तिवारी, जो कि दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष हैं, दिल्ली में बड़ी संख्या में पूर्वांचलियों के होने के कारण उनको भी मुख्यमंत्री के पद का दावेदार माना जा रहा है। ऐसे में भाजपा किसको अपना मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएगी, इसके ऊपर विचार 24 अक्टूबर के बाद ही शुरू होगा, जबकि हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनावों के परिणाम सामने आ जाएंगे। लेकिन वहीं पे इस बार लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में 56% वोट मिले थे, जिसके कारण भाजपा को उम्मीद है कि अगले चुनावों में भी, विधानसभा में भी, उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। लेकिन वहीं पे जहां पे दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, पिछले बार भी 2014 में भी सारे के सारे सांसद भारतीय जनता पार्टी के थे, लेकिन दिल्ली में सरकार आम आदमी पार्टी की बनी। अंजलि ओझा, गो न्यूज़।